अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, कसा काय, नमस्ते एंड वेलकम टू वीवो वी 17 प्रो प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन 13 का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। वेल फ्रेंड्स, रिव्यूज लेट आ रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बिग बॉस अभी रात के ऑलमोस्ट 11:55 तक चल रहा है। यस फ्रेंड्स, पूरे के पूरे 1 घंटे के एपिसोड आ रहे हैं। खुशी की बात यह है कि शो सुपर सक्सेसफुल हो गया है, वन ऑफ द बेस्ट सीजन होने वाला है ये, एंड द टीआरपीज आर रीचिंग स्काई हाई। इसीलिए कलर इसे एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो शो 10:30 बजे शुरू होता है। एंड गाइज, ऑलमोस्ट आज का शो 11:55 पे खत्म हुआ है, इसलिए गाइज थोड़ा टाइम लगता है शूट करके अपलोड करने में, थोड़ा रिव्यू लेट होगा, इसका आपको एडजस्ट करना होगा। लेकिन गाइज क्या चल रहा है, नहीं लिटरली स्पीकिंग क्या चल रहा है बिटवीन दिस गर्ल कॉल्ड एज खुराना एंड नन अदर देन शहनाज गिल। पूरी की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी मैंने देखी, दोनों के जो झगड़े हुए थे उन दोनों के वीडियोज मैंने देखे। एंड गाइस, झगड़ा शुरू हुआ था इस बात पे कि सना यानी कि शहनाज को आई थिंक नहीं, उन्होंने खुद आज ये एपिसोड में बात क्लैरिफाई की कि हिमांशु खुराना का जो मेकअप आर्टिस्ट है उसने आके उनको ये सब बातें कही कि एक्चुअली हिमांशु खुराना का जो बॉयफ्रेंड है उसका भाई सना को पसंद करता था। एंड हैड सम कॉन्वर्सेशन एंड हिमांशु खुराना ने कहा कि उसकी क्या औकात है कि ये करे एंड वो करे, एंड वो कॉन्वर्सेशन उस मेकअप आर्टिस्ट ने आकर शहनाज को सुनाई। उसके बाद हिमांशु खुराना को कोई गाना लॉन्च हुआ था, उसके बारे में शहनाज ने लाइव में आकर कहा कि ये गाना तो फ्लॉप सॉन्ग है, ये मुझे पसंद नहीं, ये पाउट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ओवरसाइज, मोटी है, आंटी है, समथिंग शी सेड। उसके बाद किस तरह से हिमांशु खुराना लाइव जाकर उन्होंने कहा कि शहनाज बहुत सारे लड़कों के साथ सोती है, एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद अपना घर छोड़कर भाग गए। इसके बाद शहनाज ने खुद वापस से लाइव पे आके कहा कि हिमांशु खुराना की माँ भी कहीं किसी का भाग गई है, जिसके बाद हिमांशु खुराना ने वो ट्रम्प कार्ड खेला, यानी कि अपनी माँ के ऊपर बयान के ऊपर सिंपथी लेकर उन्होंने शहनाज को डिफेम किया एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दिस स्टफ। ओके, मेरे को भी इसमें पढ़ना नहीं है कि बाहर क्या हुआ इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों अभी सती सावित्री लगने रही है। शहनाज गिल तो बाप रे बाप, अभी कहते हैं ना कि दो मुंह दोगला अगर किसी को कहा जाए तो शहनाज गिल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। क्या बंदी ने एक्टिंग किया इधर आकर बिग बॉस, कल रो रही थी, आई वाज फीलिंग रियली बैड। लेकिन इस झगड़े में शहनाज गिल ने भी अच्छे खासे बकवास की है इस बंदी के बारे में, खुराना के बारे में, खुराना ने भी बंदी ने बकवास की है, एंड दोनों यहाँ पर कोई दूध के धुले हुए नहीं है। तो शहनाज गिल तो दूध की धुली है ही नहीं, जितना भी अंदर जो आके वो क्यूटनेस का ओवर ड्रामा कर रही है, दिस इज ऑल कम्प्लीटली रिडिक्युलस, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो ऑडियंस विल फील चीटेड, एंड आज के एपिसोड के बाद तो मुझे यकीन हो गया। मुझे क्या, उसके बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला एंड असीम खुद बैठकर कह रहे थे कि एड़ा बन के पेड़ा खा रही है ये, हिंदुस्तानी भाऊ ने आकर कहा कि ये बंदी एड़ा बन के पेड़ा खा रही है। सिद्धार्थ शुक्ला वाज लाइक यस, इसका पलड़ा भारी है, शहनाज उसके पास जाती है। नसीम ने भी बात कही कि हमने तो सिर्फ शहनाज की स्टोरी सुनी है, हिमांशु खुराना ने भी आकर कहा है कि वो उसके फादर के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, शी वॉज अब्यूजिंग, गिविंग द चॉइसिस ऑफ अब्यूजेस टू हर फादर। तो यानी कि अभी क्या शहनाज अपने दोस्त असीम और शुक्ला दोनों को छोड़ देगी। आरती ने भी शहनाज को यहाँ पे छोटी सी बात कही थी कि शी इज द एंटरटेनर, उनके लिए कपड़े भेजे तो उनको इतना बुरा लग गया कि उनसे बात करना बंद कर दिया, एंड वापस से वो आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा के साथ बैठकर बातें कर रही है। इतना तक हो गया कि वो बाहर सोफे पे सो रही थी एंड पारस छाबड़ा केम पिक्टर अप एंड उसको अपने साथ पर एक ही बेड पर सुला दिया, जो देखकर असीम को अच्छा नहीं लगा। शुक्ला वाज ऑल्सो पिस्ड ऑफ, शुक्ला ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया। तो इतना तो है कि अब शहनाज की तो दोस्ती है शुक्ला असीम और आरती गैंग के साथ खत्म हो गई, एंड शी इज ऑफिशियली नाउ इनटू द पारस क्लब। अब क्या वो वापस आएगी, क्या शुक्ला उनको वापस लेंगे, ये तो हमें आगे वाले आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन इतना है कि यहां पर उनको गिल्टी फील हो रहा है शहनाज गिल को, वो चाहती है कि जाके वो हिमांशु खुराना से बात करे, हिमांशु खुराना उनको 10 रुपए का भाव नहीं दे रही है, एंड उल्टा जो भी अपनी ग्रजेस है वो बाहर निकाल रही है। अब शहनाज इज कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट, वो यहाँ पर रूड हो रही है, वो लोगों के साथ एरोगेंट हो रही है, बिग बॉस पे चिल्ला रही है, वो अपना बिहेवियर कंप्लीटली 360 डिग्रीज चेंज कर रो रही है। आज स्मोकिंग रूम में भी उन्होंने रोना शुरू कर दिया, जो शुक्ला ने उनको बाहर निकाल के हंसाया खिलाया, भाऊ ने भी उनको इतना हंसाया गुदगुदाया, उनका मुंह चेंज किया, हिंदुस्तानी भाऊ ने अपनी सोने की चेंज उतार कर स्विमिंग पूल में जंप मारा उनके साथ, शेफाली कांटा लगा वाली ने भी स्विमिंग पूल में जंप मारा उनके साथ, एंड नॉमिनेशन प्रक्रिया में उसने शहनाज गिल ने भाव के सर पे कचरा फेंक दिया।
कांटा लगा के सर पे भी कचरा फेंक दिया। आई मीन वो लोग जो तुम्हारी मदद कर रहे, तुम उनकी बजा रहे हो। पारस छाबड़ा जिसका खुद के वीक का ठिकाना नहीं कि कहाँ से गिर रही कहाँ से उठ रही, तुम उस पर भरोसा कर रही हो। आई मीन अगर शहनाज गिल यहाँ पे शुक्ला असीम से झगड़ा कर लेती है तो ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। ये 35 दिनों में जो भी उन्होंने नाम अच्छा कमाया है वो सब मिट जाना है। असीम ये भी कहता है इसके कोई दोस्त नहीं है, घर के बाहर तो थे ही नहीं, घर के अंदर भी नहीं थे। फिर जब मैंने बिग बॉस का रिव्यू शुरू किया था तभी मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट्स आते थे कि यू नो पंजाब में इस बंदी का नाम काफी ज्यादा खराब है, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन इनके शो में जो इनका बिहेवियर था, जिस तरह से इतने क्यूटनेस दिखाई थी, इस पर ही मैंने उनको शो में जज किया। इसलिए आने वाले दिनों में भी मैं उनको उनके शो में जिस तरह का बिहेवियर है उस पर ही जज करूंगा। बाहर वो क्या करके आई है क्या नहीं हुआ है इन दोनों के बीच में, आई डोंट केयर। इस शो में ये बिग बॉस शो है, ये कोई बाहर की दुनिया नहीं है, तो मैं अभी शहनाज गिल को उनके अंदर के बिहेवियर के लिए यू नो उस तरह से जज करूंगा। इसको साइड में रखते हैं, इसको क्लियरिफाई करना बहुत जरूरी था। अब आते हैं मिस्टर मोमो की दुकान पे काम करने वाले अरहान खान यानी के उर्फ ग्रीन चटनी। क्या समझते हो भाई तुम अपने आप को? हाँ, किसी भी बात में बीच में घुस जाना, सिद्धार्थ शुक्ला को बोलता तू हमारा सीनियर है, हाँ तेरी मैं वो करता हूँ, ये तो वो उसने बोला था, क्या नाम है उस बंदे का, खेसारी ने। ये अरहान खान सीधा शुक्ला को बोलता है मैं अकेले लड़ने के लिए आया हूँ, मैदान में तो मैदान में अकेले लड़के दिखा, असीम तू तो दू में सिद्धार्थ शुक्ला की, तू एक दिन में आके लोगों को ऐसा भाषण प्रवचन दे रहा है। हाँ तो बाहर से शो देख कर आया है, लेकिन यहाँ पर किसके लफड़े में पढ़ना किसके लफड़े में नहीं पढ़ना बंदा कुछ सोचता नहीं है। हाँ वहां पे पारस छाबड़ा के साथ बैठ के पारस छाबड़ा बोलता है सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल का बुढ़ा हो गया है, अंकल हो गया है, और ये सुन के मजे ले रहा है सिद्धार्थ शुक्ला के, उसके ऊपर कचरा डाल दिया। अरहान खान वन ऑफ द मोस्ट वॉइस बिहेव कंटेस्टेंट जो आने वाले दिनों में बहुत दिमाग में दही करने वाला है, एंड आई थिंक असीम तो पहले से धमकी दे चुका है उसको कि वो उसको उठा के पटक देगा। तो गाइस बिग बॉस काफी डेंजर होते जा रहा है, एंड कल के दिन में कुछ बीबी ट्रांसपोर्ट का टास्क होने वाला है जिसमें माहिरा शर्मा और कांटा लगा की खूब धनाधनी होने वाली है। बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला को कहते हैं कि वो चाहते हैं वो घर से चले जाए, क्या सिद्धार्थ शुक्ला ने इतना वायलेंस कर दिया कि बिग बॉस उनको घर से निकाल देंगे। वेल फ्रेंड्स, सारे सवालों का जवाब आपको कल के एपिसोड में मिलेगा, एंड आई थिंक दिस इज बिकमिंग द बेस्ट बिग बॉस सीजन एवर। यहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स आए हैं वो एक दूसरे की मजे लेने के लिए जरा भी रुकने रहे, एंड हिंदुस्तानी भाव ने जो मजे लिए है तहसीम पूना वाला के, लिटरली वो बाहर जाकर रोएगा बंदा। लेकिन गाइस आज का एपिसोड शुरू हुआ द रियल रीजन व्हाई शहनाज एंड शिफाली दोनों दुश्मन है, ये सब बताया गया है गाइस यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर जब वो बातें हो रही थी, भाई कोई कुछ लोग यहाँ पे एयरपॉड्स पहन के भी यू नो देखते हैं, जैसे मैं एयरपॉड्स पहन के देखता हूँ बिग बॉस। शुक्ला हिलना बंद कर मेरे भाई, इरिटेट होता है, कान सड़ता है, खर 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 खर, पूरा डायलॉग समझ में नहीं आया, इतना हिल रहा था गाइस यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पर शहनाज ने कहा कि उसने कहा मैं घर से भाग गई थी, एंड गाइस शहनाज ने कहा तो तेरी माँ भी भाग गई थी, उसी पॉइंट पे उन्होंने सिंपति ली। अब गाइस भाऊ जो था उसने कहा कि शहनाज पूना वाला जब कल आया था घर में तो वो सबके ऊपर अपना हाथ साफ कर रहा, सबको यू नो काफी ज्यादा फ्रेंडली हो रहा था। एंड गाइस यहाँ पर अरहान खान की भूल नंबर वन, वाके सिद्धार्थ शुक्ला को बोलता है ये प्याज किसके लिए कटा है, वो बोले नाश्ते के लिए, तो खाने के लिए नहीं कटा है। हाँ मतलब कि सिद्धार्थ शुक्ला उसके बाप का नौकर है, उस तरह ही कर रहा है। फुकट में सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि इसको अपने यू नो भाषा पर ध्यान देना पड़ेगा, फुकट में उंगली नहीं करना चाहिए, ये सिद्धार्थ शुक्ला आरती से कहता है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो हिंदुस्तानी भाव है फुल मिमिक्री करना शुरू कर, ऐसे चलता है बोलता है वो है ना पारस छाबड़ा, वो एक नंबर का खेकड़ा है। तो किसी ने तो पारस छाबड़ा को सही समझा, वो जो खेकड़ा कहता है। एंड गाइस यहाँ पर शुक्ला एंड पिंपल की फुल ऑन झगड़ा शुरू हो जाता है। पिंपल बोलती है तो ऐसा कैप्सिकम काटना अनियन काटना, सीधा शुक्ला क्यों क्यों काटू मैं नहीं काटूंगा, हाँ हाँ मैं समझ गया आप काटो काटो आप काटो काटो, नहीं आपको है ना से पतला काटना है, काट 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 तू काट मैं देखो देखता हूँ बाद में, आप समझ नहीं रहे हो आप ऐसा काटो ना काटना मैं तेको देख रहा हूँ। क्या अल्टीमेट सिद्धार्थ शुक्ला ने उसको ट्रोल किया, काफी हिलेरियस था। अब गाइस यहाँ पे शहनाज गिल का ड्रामा शुरू हुआ, वो रो रही है मुझे जाना है मुझे बोर हो रहा है, उस स्मोकिंग रूम में चली जाती है। सिद्धार्थ शुक्ला उसको पकड़ के बाहर लाता है, कैसे भी करके उसको चीयर अप करते हैं। एंड गाइस यहाँ पर शुक्ला कहता है किसी का मुंह तोड़ दे घर से बाहर चले जा, उधर से जंप मार दे, चल मूड अपना अच्छा कर। एंड गाइस यहाँ पर भाव आता है एंड यहाँ पर जंप पूल में जंप करता है गिल के साथ, और साथ में जो कांटा लगा है वो भी अंदर जंप कर दिया। अब गाइस पूना वाले के दांत ऐसे है ऑब्वियस यहाँ से घस चुके हैं, एंड दो उसके जो कनाइंस है वो थोड़े प्रोट्रूडिंग है, तो ऐसा लगता है वैसा लगता है किसी ने उसने लकड़े घस दिए। तो यू नो भाव बोलता है ए वो पूना वाले को देखा है क्या, ऐसा लगता है पूरा लकड़ा घस के आया। अब असीम आज पूरा खुला मेरा भाई,
क्योंकि असीम नोज ही इज टॉप ऑन द पॉपुलैरिटी चार्ट्स. असीम को पता है बंदे की फैन फॉलोइंग अब बन चुकी है, अब वो कॉन्फिडेंट हो चुका है. ठीक है, असीम से जलने वाले कौन होंगे? वही बंदे जो जिम जाते हैं, उनके उसके ऐसी बॉडी नहीं बना पाते, वही उससे जलने वाले. असीम इज बिकम सुपर कॉन्फिडेंट. असीम को यहाँ पे खुराना ने और झाड़ पर चढ़ा दिया, कहा कि तुम्हारे बाहर बहुत सारे फैन पेजेस भी बन चुके हैं. अब गए असीम जो हंसा है आज पूना वाले के जोक पे, वो कांटा लगा है हिमांशी खुराना. हिमांशी खुराना लुक्स वेरी फन बबली, मुझे वो कदर क्रिबिंग नहीं लग रही. शहनाज फालतू में उसको लेके इतना झगड़ा, वो आगे बढ़ा रही है, नहीं बात करती है, नहीं बात करती है, आगे बढ़ो यार. तो जिस तरह पूना वाले के उन्होंने मजे लिए, काफी हिलेरियस था. शहनाज यहाँ कहती है सबके सब लल्ले आए, यानी कि नए नए जो कंटेस्टेंट्स है वाइल्ड कार्ड, खेसारी, पूना वाला, ये सब लल्ले है, सब साइको के साइको है. एंड गाइस यहाँ पर खुराना भी अपनी जो कहानी है वो बताती है कि शहनाज ने किस तरह से उनके गाने को ट्रोल किया था. सबसे पहली बात है, इसके गाने को ट्रोल करने की क्या जरूरत थी? मैंने देखा वो लाइव वीडियो, वो कोई अंकल के साथ घूम रही है घर में, और ये फ्लॉप गाना है, वो ये आंटी है पाउट करती है, ये गाना आई लाइक दिस सॉन्ग, आई लाइक दिस फ्लॉप सॉन्ग. खुलना शहनाज गिल बकवास कर रही है उसके साथ लाइव में बैठकर. क्या एक्सपेक्ट करती है उसको, मोतियां बरसाएगी? कल कितना बुरा लग रहा था कि बंदी को टॉर्चर किया एंड ऑल दैट शिट, एंड ये बंदी ने भी, शहनाज गिल क्या है भाई, बाहर कैसी बात करती है, अंदर ओए कर रही है. सीरियसली बहुत मेरा गुस्सा आया देख के, लेकिन उसको साइड में रखते गए यहाँ पर. एंड अरहान कहता है माँ कसम, इसकी ओवर एक्टिंग देखो, माँ कसम, जब अपने आपको सस्ता अर्जुन रामपाल समझता है, माँ कसम मैं उससे दोस्त बनना चाहता हूँ शुक्ला के साथ, लेकिन वो ग्रुप एकदम छोड़ ही ना रहे. पारस बोलता है ओए शुक्ला लुगाई है, 40 साल का बुढ़ा है बेटा, वो एटलीस्ट टकला तो नहीं है, अपनी यू नो उम्र और टकलापन छुपाने के लिए भीग तो नहीं पहनता तेरे ऐसा भीग है, बिग एस पारस. सीरियसली पारस बोलता है कि यहाँ पे शुक्ला बहुत ज्यादा कर रहा है. उसके बाद गाइस पारस यहाँ पर सना के पास जाता है और कहता है तुझे नींद नहीं आ रही है, तू चल अंदर मेरे साथ सो जा. तो सना चली जाती, सना तो अभी बिन पैंदे का लोटा बन गई है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर कभी उधर. लेकिन गाइस जिस तरह से असीम और शुक्ला के बीच में फ्रेंडशिप हो रही है वो देखने को काफी अच्छा लगा, जो कि काफी अच्छी बात है. शुक्ला कहता है भाव ने क्या बोला, असीम याद कर, भाव ने बोला कि ये एड़ा बन के पेड़ा खा रही है. असीम बोलती है खुराना ने आके गिल के बारे में क्या क्या बोला पता है, उसने भी उसके बाप के सामने बहुत कुछ बकवास की है. शुक्ला एंड असीम यार यूनाइट हो जाते हैं एंड कहते हैं गिल अभी जहाँ पल्ला भाड़ी है वहीं पर चली जाती है. अब असीम ये भी कहता है कि उन्हें खुराना के बाप के बारे में गलत गलत बातें कही है गिल ने. शुक्ला कहता है मैं वो बहुत गुस्से में हूँ, वो जाके मस्त जाके पास कर सो जाती है इसलिए मैं गुस्से में हूँ. फिर बता है झिंगाड़ गाना. अब झिंगाड़ गाना सबसे कॉमेडी क्या है तुम्हें वूट पे बाद में देख लेना. झिंगाड़ गाना में केसरी खेसारी सॉरी खेसारी बाथरूम के बाहर खड़ा है बेचारा और गाना बजा जिंग 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 झिंगाट जिंग 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 झिंगाट केसरी. उसको बाथरूम आई थी, अंदर कोई बाथरूम में था, उसको फुल प्रेशर आया था, वो अंदर चले गया था. अब गाइस यहाँ पर खुराना जो रहती है वो बोलती है कि मुझे फाइट अभी नहीं करना है एंड जो भी बाहर हुआ वो बाहर हो गया. शहनाज कहती है सबका बिहेवियर चेंज होना चाहिए एंड खुराना ये भी कहती है कि अब जो झगड़ा हो गया था बाहर उसके बावजूद भी शहनाज उसे बार बार टॉन्ट करती रहती थी. ओके गाइस अब यहाँ सब लोग कहते चलो हाथ मिला लो, लेकिन शहनाज और खुराना यानी कि यू नो हाथ नहीं मिलाते. अब यहाँ पर झगड़ा शुरू होता है रोटी के ऊपर. आरती कैप्टन है, ठीक है, तीन रोटियां बनती थी, अब तीन रोटी के हिसाब से वही आटा लेकर वो लोग दो रोटी बना रहे. आरती कहती है कि नहीं तुम लोग आटा वेस्ट कर रहे हो. पारस बोलता है तू तो गद्दी है गद्दी, तुझे कैप्टन के इसने बनाया, तो शो से बाहर होने वाली थी, तो रिजर्व ही नहीं करती, एक नंबर ही गद्दी है गद्दी. अब आरती टेम्पर लूज कर देती है, चिल्लाती मुझे गद्दी मत बोलना तू अगली बार, क्यों गद्दी बोला तूने मेरे को. हाँ बोलते ओए मैं पारस हूँ आबरा पारस छाबरा, और ये बोलता है फुल चिड़ा के चले जाता है. बहुत ही ज्यादा तनातनी होती है. यहाँ पर अरहान खान बीच बीच में फालतू का आरती का साइड लेते हुए दिखाई दे रहा है. आरती गेट सेलेक्टेड फॉर द लेज रैक, जो लेज रहता है रैक्स में रखा है उसके लिए सेलेक्ट हो जाता है. एंड भाव ने यहाँ पर 1.5 लाख का ट्रैक सूट आता है गुची का, एंड भाव ने उसकी फर्स्ट कॉपी लेकर आया. वो कहाँ से खरीदा आई डोंट नॉट गिव पब्लिसिटी टू दैट गाय, लेकिन काफी क्यूट लग रहा था हिंदुस्तानी भाव गुची का ट्रैक सूट पहन के, वेरी क्यूट. टैटू भाव के एक नंबर है. अब गाइस यहाँ पर माहिरा और शुक्ला का वापस से झगड़ा शुरू हो गया, किसको लेके, सब्जी कटिंग को लेके. और उसके बाद नॉमिनेशन का टास्क था, यानी कि जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो उस पर आपको कचरा फेंकना है. अब गाइस शहनाज गिल ने यहाँ पर क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ. शहनाज गिल कचरा लेकर आई, यहाँ पर खड़ी थी खुराना, ऐसा खड़ी है शहनाज गिल आई,
चली गई। क्या जरूरत थी उसको उंगली करने की? नहीं, क्या जरूरत थी? वो बात नहीं कर रही है, वो तेरे लेने में देने में नहीं है। ये बंदी उसको उंगली कर रही है, वो चाहती है उससे बात करे, वो इसको देख देख के रो रही है और मैं दोस्तों से झगड़ा कर रही है, उन्होंने तुम अपना बिगाड़ रहे हो। और जाके शहनाज गिल कचरा फेंक देते हिंदुस्तानी भाव के खोपड़ी में। मैं पागल वागल हो गई है क्या? वो बंदे ने इसके लिए पूल में जम मारिया, उसको जाके हिला देती है, काटा लगा वाली को फेंक देती है। अब फिर आता है अरहान, अरहान कचरा फेंकता शुक्ला के ऊपर, बोलता है ग्रुपिज्म बंद कर, असीम को बोलता धूम बनना बंद कर, फुल भिड़न होती है। एंड गाइस यहाँ पर कहते हैं ना, कॉलेज में हम लोग किसी लड़की के मुंह पे कीचड़ उड़ गया, किसी का यू नो दुपट्टा जल गया, किसी के बाल गंदे कट गए, तो वो कुतिया लड़की होती है ना घर में, माहिरा शर्मा ने कसम से लिमिट क्रॉस कर दिया यू नो यहाँ पर, बिची एटीट्यूड के इतनी वो, मतलब सच्ची मतलब इसको अगर खेतों में रखता तो स्केयर क्रो की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बिची एटीट्यूड यार कसम से। असीम झगड़ रहा है जान तोड़ के अरहान के साथ और ये मजे ले रही है, ये पारस छाबड़ा शिट मारो, कहते ना 10 में से 2 कपल रहते हो एकदम वो टाइप के रहते हैं, राइट, बेकार है। फिर भाव आता है, भाव बोलता है ये शाणी को मैं अपना भाई बहन समझा, इसके बाद स्विमिंग पूल में कूदा, ये गिल मेरे ऊपर कचरा डाल दी, भाव भी गिल के ऊपर कचरा डाल देता है, फिर उसके बाद माहिरा शर्मा के ऊपर भी कचरा डालता है। तो गाइस अब यहाँ पर आरती जो कि घर की कैप्टन है, शी गेट्स यू नो स्ट्रांग पोजिशन, वो एक बहुत ही स्ट्रांग पोजिशन में रहती है और उसे कहा जाता है कि आप अपने किसी एक आदमी को सेव कर सकते हो। वो फिर गाइस जो आरती है वो असीम को सेव कर देती है, काफी अच्छा डिसीजन लगा मुझे। अब गाइस यहाँ पे शेफाली, अरहान, पूनावाला, पारस, सिड, माहिरा, शहनाज, ये सारे के सारे लोग नॉमिनेशंस में हैं। आप लोग जाइए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सेव कीजिए। कल होने वाला है बीबी ट्रांसपोर्ट का टास्क एंड कल बहुत झगड़े होने वाले गाइस। यहाँ पर माहिरा गिर जाती है, शुक्ला पंगे ले लेता है, बिग बॉस कहता है कि आपके हिंसा की वजह से बिग बॉस चाहते हैं आप घर से चले जाइए। बट फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग भी हैं, बहुत सारी फीमेल ऑडियंस भी देखती है, आपको क्या लगता है, क्या शेफाली एंड खुराना के झगड़े में, शेफाली नहीं क्या नाम बंदी का, शहनाज, शहनाज एंड खुराना के झगड़े में कौन सही था कौन गलत था, ये आप बताइए। क्या हमें बिग बॉस के घर में उनके बाहर के एटीट्यूड को देख के जज करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। मैं इसके बाद बाहर जो झगड़ा हुआ इनके बीच में उसके बारे में बात भी नहीं करने वाला, क्योंकि घर में एज एन इंडिविजुअल उनकी क्या पर्सनैलिटी है यही फैंस देखना चाहते हैं। दोनों गलत है अपनी जगह पर, शहनाज ने बकबक कर दी, इसने भी उसको खूब डिग्रेड किया, दोनों अपनी जगह पर गलत है, अब इसको मिट्टी डालो, अब शो में आगे बढ़ो। यहाँ पे अरहान खान आए हैं जो अपने को ज्यादा पटेल समझ रहा है, अलॉन्ग विथ पारस छावड़ा। लेट्स सी असीम एंड यू नो शुक्ला किस तरह से इनसे भिड़ते हैं। काटा लगा भी काफी फिरोशियस लग रही है, गिल हैज लॉस्ट द प्लॉट कम्प्लीटली। आरती काफी कॉन्फिडेंट लग रही है, कहती है अरे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में मेरा भाई काम किया कृष्णा अभिषेक, वो काफी अच्छा है। पूना वाला भाव के बीच में कुछ ना कुछ फटने वाला है, क्योंकि पूना वाले की भाव ने फुल मजे ले लिए दांत घिस के। भाव इज लुकिंग सुपर्ब, ऑल सेट टू विन द शो। खेसारी शो में दिख नहीं रहा है, खेसारी कभी खाते हुए दिखता है, हंसते हुए दिखता है, लेकिन खेसारी शुड बग अप वो ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली खेसारी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो ही इज राइट अप देयर। बस फिर कौन बचता है? फिर बचते हो आप और मैं, रोज रात को मिलेंगे, तब तक क्या करना है, डू वॉट एवर यू डू मैन, और डोंट ट्रेवल योर माता पिता एंड भारत माता। ओके अभी सो जाने का, लाइट्स बंद करके, एज ऑलवेज स्टे कूल मैन, गुड नाइट।